पढ़े लिखे लोगों को चयन कर रहे हैं, जो पढ़े लिखे इलाका में हैं, जो अच्छे उम्मीदवार हैं उसका चयन कर रहे हैं। चाहते हैं कि वैसे कैंडिडेट आएँ जो हम लोगों के हित में काम करें, समाज का विकास करें। और पटना की स्थिति तो आप जान ही रहे हैं, हर जगह गंदगी पड़ी है। कुछ ऐसा हो गया है पटना का, देख ही रहे हैं, खासकर खगौल का, जिसकी वजह से देना ज़रूरी भी है। बिहार में नगर निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान शुरू हो गया। आज 18 दिसंबर है और आज पटना के फुलवारी में नगर निकाय चुनाव हो रहा है, जिसको लेकर ये फुलवारी शरीफ का आदर्श मतदान केंद्र है, जहां जो मतदाता हैं वो अपने मतों के अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो तमाम मतदान कर्मी हैं वो सुबह के 7 बजे से ही लगे हैं कि किसी तरह की कोई दिक्कतें ना हो, जो मतदाता हैं उनको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। इसको लेकर सुबह 7 बजे से ही जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। सुबह के 7 बजे से शाम के 5 बजे तक जो मतदान है वो चलेगा और जो तमाम वोटर हैं वो अपने मतों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो कड़ी सुरक्षा के बीच जो ये मतदान है वो कराया जा रहा है, किसी तरह की कोई गड़बड़ियाँ ना हो इसका पूरा ख्याल कहीं ना कहीं रखा जा रहा है। और जो मतदान कर्मी हैं वो सुबह से ही चुनाव ठीक ढंग से कराने में लगे हुए हैं। जो मतदाता हैं वो अब धीरे धीरे पहुंचने लगे हैं, जैसे जैसे दिन चढ़ने लगा है जो मतदाता हैं उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। सर, अभी तक कुल कितने मतदाताओं ने वोट किया है? 20 से 25 हो गए। देखिए तो सुबह के लगभग 1-2 घंटे हो गए हैं, तो 20-25 मतदाताओं ने इस बूथ पर वोट किया है, यानी कि वोटरों की संख्या जो है वो अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। ठंड काफ़ी ज़्यादा है, जिस वजह से वोटर अब धीरे धीरे घरों से निकल रहे हैं। और ख़ास करके आज इतवार है, छुट्टी का दिन है, तो शाम के 5 बजे तक मतदान होना है, तो वोटर भी अब धीरे धीरे जो है अब मतदान करने पहुंचने लगे हैं। ये बूथ है और ऐसे 2 और बूथ बनाए गए हैं जहां जो मतदाता हैं वो अपने मत के अधिकार का इस्तेमाल करेंगे। साथ ही साथ सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है वोटरों को उत्साहित करने के। और कुल यहाँ 3 वोट गिराए जाएंगे, एक मुख्य पार्षद, दूसरा उप मुख्य पार्षद और तीसरा वार्ड पार्षद। इन 3 जो पद हैं, इन 3 पदों पर जो वोटर हैं वो सीधे मत करेंगे, यानी कि इस बार मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद का चुनाव डायरेक्टली हो रहा है, यानी कि वोटर जो है वो चुनाव करेंगे। सर, किन मुद्दों पर इस बार वोटिंग आप लोग कर रहे हैं? जी हाँ, इस बार तो वोटिंग हम लोग कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि वैसे कैंडिडेट आएँ जो हम लोगों के हित में काम करें, समाज का विकास करें। और पटना की स्थिति तो आप जान ही रहे हैं, हर जगह गंदगी पॉल्यूशन भरा हुआ है और इसकी पूरी जवाबदेही जो है वार्ड पार्षद चेयरमैन बनती हैं, लेकिन वो लोग अपना जवाबदेही निभाएं, यही हम लोग चाहते हैं। इस बार चेयरमैन को आप लोग डायरेक्ट चुन रहे हैं, कितना ये बहुत अच्छा है। और हम लोग तो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री तक का चुनाव आगे चल के इसी तरह से हो, प्रधानमंत्री का भी चुनाव इसी तरह से हो, ताकि जनता अपने समस्त लोगों को चुने, न कि लोग ऊपर के जो मंत्री नेता हैं वो लोग बैठाएं लोगों को। हम क्या कहेंगे, सुबह सुबह आए हैं मतदान करने, इतनी ठंड है लेकिन फिर भी आप लोग ने मत देना ज़रूरी समझा है? स्थिति कुछ ऐसा हो गया है पटना का, देख ही रहे हैं, खासकर खगौल का, जिसकी वजह से देना ज़रूरी भी है। मत से बदलाव आएगा? बिल्कुल आना चाहिए, अगर सही से होगा तो ज़रूर आना चाहिए बदलाव। तो देखिए तमाम मतदाता हैं जो काफ़ी उत्साहित हैं और जो उन्होंने मतदान कर लिया है, तो कहीं ना कहीं मत देने के बाद उनको ये उम्मीद है कि हमारा मत जो है वो बदलाव लेके आएगा। और कुल 3 बूथ है जहां ये मतदान कराए जा रहे हैं। और जो आपको बता दें कि इस हर बार वोटर आई कार्ड के साथ साथ कई अन्य पहचान पत्र जो हैं वो भी राज्य निर्वाचन आयोग ने उसकी भी अनुमति दे दी है, यानी कि ये तमाम जो पहचान पत्र हैं वो जिनको लाकर आप अपना मतदान कर सकते हैं। इसमें जैसे आधार कार्ड, फ़ोटो, पेंशन दस्तावेज, बैंक डाकघर की पासबुक, पैन कार्ड, ये तमाम जो पहचान पत्र हैं इनके ज़रिए भी आप मतदान कर सकते हैं। वोटर आई कार्ड के अलावा ये तमाम वैकल्पिक पहचान पत्र जो हैं उसकी भी अनुमति राज्य निर्वाचन आयोग ने दे दी है। और देखिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, किसी तरह की कोई गड़बड़ियां ना हो, इसको लेकर मतदान केंद्रों पर पुलिसकर्मियों की तैनाती भी कर दी गई है। मतदान कर्मी के साथ साथ पुलिसकर्मी भी मतदाताओं की सुरक्षा का, किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। और मतदाता सहायता केंद्र के लिए हेल्प डेस्क और जो मतदाता हैं इंतज़ार करने के लिए
जो प्रतीक्षालय है वो भी बनाया गया है। आदर्श मतदान केंद्र पर कई सारी सुविधाएं भी दी गई हैं और काफ़ी बेहतर ढंग से जो है वो इसको सजाया गया। और इस बार फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम की भी जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं की गई है, जिसकी एक वानगी हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से जो अंदर जो बूथ है उसमें देखिए पोलिंग एजेंट है और तमाम FRS द्वारा सही मतदाता की पहचान, सत्यापन, निर्वाचन सूची में नाम, क्रमांक और पहचान पत्र का मिलान, बाएं हाथ की तर्जनी पर स्याही, उसके बाद FRS यानी कि फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम से सही मतदाता की पहचान एवं सत्यापन किया जाएगा, यानी कि जो फोटो है मतदाता का फोटो है वो खींचा जाएगा और उससे सत्यापन किया जाएगा ताकि जो बोगस वोटिंग है वो ना हो सके, एक ही वोटर बार बार वोट ना डाल सके। कई बार ये कहा जाता है कि बोगस वोटिंग कहीं ना कहीं की गई और इसको लेकर तमाम जो मतदाता हैं जिन्होंने मतदान किया है उनसे भी हमने बात करने की कोशिश की। विकास का मुद्दा है कि जिस तरीके से फुलवारी शरीफ और तमाम जो दानापुर के इलाके हैं उसमें जाम लगता है, बारिश में पानी लग जाता है, यानी कि वाटर लॉगिंग की समस्याएं होती हैं, इन तमाम मुद्दों को लेकर जो मतदाता हैं वो अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उत्साहित ज़रूर है कि मत से बदलाव होगा। और इस बार कुल 3 पद पर चुनाव होने हैं, जो वार्ड पार्षद हैं उनके साथ साथ मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद के पद पर भी चुनाव होगा। इसको लेकर जो वोटर हैं वो काफ़ी उत्साहित हैं और सीधे तौर पर आपने सुना वोटरों का कहना है कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को भी हम ही चुने तो काफ़ी बेहतर होगा। और धीरे धीरे जो मतदाता हैं वो आगे बढ़ने लगे हैं। किन मुद्दों पर आप लोग इस बार वोट कर रहे हैं? पढ़े लिखे लोगों को चयन कर रहे हैं, जो पढ़े लिखे इलाका में हैं, जो अच्छे उम्मीदवार हैं उसका चयन कर रहे हैं। क्या बदलाव? बदलाव की बात नहीं, विकास की बात। विकास पूरे जगशहर में हुआ है। किस तरह की परेशानी होती है इस बार चुनाव से, क्या उम्मीदें लगती हैं? चुनाव से अच्छी उम्मीदें हैं कि चलो जो भी जीतेंगे हमारे हित में होगा, वो हमारे हित में काम करेंगे। लोगों की जो आएंगे जीत कर उनसे उम्मीद काफ़ी ज़्यादा है कि हमारे हित में काम करेंगे और हमारा विकास करेंगे। सहयोगी अमित कुमार के साथ विशाल भारद्वाज, SD News पटना। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे नंबरों पर संपर्क।